हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू पीवीआर स्टडी। फ्रेंड्स, आज पढ़ाने चल रहे हैं आप सभी को पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो आइए देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। फ्रेंड्स, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अर्थ होता है भूतकाल अनिश्चित काल। इसमें भूतकाल का वर्णन होता है। इसकी बात देखते हैं पहचान क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है आ, ई, ए या फिर वाक्य अंत में या फिर होता है ता, था, ती, थी, ते, थे आदि। आ, ई, ए ये कैसे होता है, आइए हम देखते हैं। अभी वाक्यों के माध्यम से आप सभी को समझाते हैं। सबसे पहले अनुवाद करने का नियम देख लेते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस, सेंटेंस सकारात्मक वाक्य। अनुवाद करने का नियम क्या है देखते हैं। रूल, सबसे पहले सब्जेक्ट, मेन वर्ब, सेकेंड फॉर्म। फ्रेंड्स, सेकेंड फॉर्म यही एक सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है जिसमें सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है। सेकेंड फॉर्म का प्रयोग केवल इसी सेंटेंस में होता है, अन्यथा कहीं किसी जगह यूज नहीं है। प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। सिंगुलर एवं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म का प्रयोग होना है। सोहन कक्षा में अपना कार्य पूरा किया। तो देखिएगा आ, ई, ए या तो आएगा, ई आएगा या तो ए आएगा, अर्थात यहाँ पे क्या आया, आ आया है, ये है ना। वावेल या व्यंजन में आ की मात्रा लगी है, अर्थात वावेल आया है ना। तो क्या हुआ, ये पास्ट इंडेफिनिट हुआ। तो देखते हैं, सोहन, सोहन सेकंड फॉर्म मेन वर्ब क्या है, पूरा किया, पूरा किया, कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीट का सेकंड फॉर्म कंप्लीटेड, क्या पूरा किया, ऑब्जेक्ट है कार्य, उसी के पहले क्या है एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव को नाउन से पहले रखेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट है हिज वर्क, अपना कार्य पूरा किया, एडवर्ब क्या है इन द क्लास। ओके फ्रेंड्स, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। वे बगीचे में, बगीचे में टहले, वे बगीचे में टहले, यहां पे क्या आया है, ए आया है, ए आया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दे प्रोनाउन सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। वॉक्ड इन द गार्डन, दे वॉक्ड इन द गार्डन, वे बगीचे में टहले। आइए, तो ता था, ती थे, ते थे कैसे आता है इसको भी देख लेते हैं। तुम दिल्ली जाना चाहते थे, चाहते थे,
लास्ट में ता था ती थे या ते थे होता है तब भी पास्ट इंडेफिनिट होता है। यू सब्जेक्ट है, मेन वर्ब चाहते थे, वांटेड वांटेड चाहते थे, टू गो जाना इंफिनिटिव है, कहाँ जाना चाहते दिल्ली, तो गो के साथ टू का प्रयोग कंपल्सरी होता है, दिल्ली है ना। यू वांटेड टू गो टू दिल्ली, तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स कुछ ऐसे शब्द लगे होते हैं जो केवल पास्ट इंडेफिनिट को दर्शाने वाले पास्ट इंडेफिनिट को दर्शाने वाले शब्द लगे होते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं, जैसे लास्ट या पास्ट, लास्ट का भी अर्थ पिछला होता है पास्ट, मंथ, वीक, ईयर या डे, टुमारो, एनी नंबर, एनी नंबर अर्थात कोई भी संख्या है उस संख्या के बाद, मंथ, ईयर, वीक, एगो अर्थात कोई नंबर जैसे 3 months एगो, 4 months एगो, 5 months एगो, इसी प्रकार ईयर या वीक के साथ कह सकते हैं 3 years एगो, 4 years एगो, 5 weeks एगो, 3 weeks एगो, इस प्रकार के शब्द लगे होते हैं। तो किसमें लिखते हैं, केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनता है हमारा वाक्य। तो आइए एग्जांपल देखते हैं, राहुल हैज गॉन टू मुंबई, राहुल हैज गॉन टू मुंबई, 3 months ago कह रहा है राहुल 3 महीने पहले दिल्ली जा चुका, मुंबई जा चुका है। तो पास्ट को दर्शाने वाला समय लगा हुआ है, तो हम इसको किसमें बनाएंगे इस वाक्य को, केवल तो केवल पास्ट इंडेफिनिट में, जो कि हैज लग के आया है तो ये गलत है। यहाँ क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म रखेंगे वेंट, अर्थात राहुल 3 महीने पहले कहाँ गया, मुंबई गया, जा चुका है नहीं होगा, मुंबई गया। इसी प्रकार और एक दो वाक्य देख लेते हैं, सोहन कल अपनी पुस्तक पढ़ चुका है ना। तो इसमें कल शब्द लगा है अर्थात बीता हुआ समय, बीता हुआ समय लगा हुआ है कल, टुमारो। तो इसमें ट्रांसलेशन किसमें होगा, पास्ट इंडेफिनिट में, सोहन, सोहन पढ़ चुका है अर्थात पढ़ा, रेड हिज बुक टुमारो, ओके, सोहन रेड हिज बुक टुमारो, सोहन कल अपनी पुस्तक पढ़ा। सॉरी स्टर्डे मैंने बीता हुआ कल। तो देखिए पिछले वाक में एक गलती हो गई थी, जहां पे स्टर्डे होना चाहिए टुमारो नहीं होना चाहिए, इसके लिए सॉरी है ना, स्टर्डे माने बीता हुआ कल होता है, टुमारो माने आने वाला कल, थोड़ी त्रुटि हो गई, स्टर्डे माने बीता हुआ कल होता है, स्टर्डे ये है थोड़ा सा कंफ्यूजन, स्टर्डे माने बीता हुआ कल होता है,
तो यहां पे बीता हुआ कल होना चाहिए, टुमारो आने वाला कल को दर्शाता है, आने वाले कल को दर्शाता है। तो जहां पे टुमारो हुआ तो वहां स्टरडे होना चाहिए। कह रहा है दे गो टू स्कूल लास्ट मंथ, वे पिछले महीने विद्यालय जाते हैं। तो ये किसमें है क्रिया हमारी, प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, जो कि किसमें होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट में। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लास्ट मंथ लगा हुआ है ना, पिछले महीने पास्ट को इंगित कर रहा है, पास्ट की ओर संकेत कर रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वेंट वेंट। तो हमारा वाक्य क्या होगा, सही हो जाएगा। तो ये देखते हैं यूज ऑफ नेवर, यूज ऑफ नेवर। नेवर का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब अर्थात सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है वे विद्यालय कभी नहीं गए, वे विद्यालय कभी नहीं गए। नेवर शब्द है क्या, नेवर शब्द एडवर्ब है जो मेन वर्ब से ठीक पहले प्रयोग किया जाता है। नेवर मेन वर्ब क्या है, जाना, वेंट सेकंड फॉर्म है, टू स्कूल, वेंट टू स्कूल, दे नेवर वेंट टू स्कूल, विद्यालय कभी नहीं गए। राजा विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य कभी किसी निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं दिए, सजा नहीं दिए। कह रहे हैं राजा विक्रमादित्य कभी किसी निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं दिए। सब्जेक्ट क्या है, राजा विक्रमादित्य, द किंग एडजेक्टिव है आपका, किंग विक्रमादित्य, विक्रमादित्य देना गिव, सॉरी सजा देना है, सजा देना पनिश्ड। तो देखिए पनिशमेंट सजा देना होता है, यहां पे कह रहा है कभी नहीं, कभी नहीं, नेवर का प्रयोग मेन वर्ब से पहले होना चाहिए, तो नेवर पनिश्ड, कभी सजा नहीं दिए। ऑब्जेक्ट क्या है, किसी निर्दोष व्यक्ति को, नेवर का प्रयोग हुआ, नेगेटिव शब्द आया, तो यहां पे हम एनी का प्रयोग करेंगे,
any innocent person. Person क्या है हमारा? Noun है. और innocent क्या है? Adjective है. The king Vikramaditya never punished any innocent person. देख लेते हैं. Use of, used to. Used to or would. Use of, used to or would. To show. Habit, action of past. भूतकाल के आदतवश कार्य को प्रकट करने के लिए उड़ या यूज टू का प्रयोग किया जाता है. तो आइए इससे संबंधित हम एग्जाम्पल देखते हैं. मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था. खेला करता था, कह रहा मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था. आई क्या सब्जेक्ट? प्रोनाउन. यूज्ड टू लिखिए या उड. खेला करता था, प्ले. क्या खेला करता था? क्रिकेट बचपन में. प्रीपोजिशन क्या है? इन चाइल्डहुड. मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था. आई यूज्ड या वुड का प्रयोग करेंगे. प्ले क्रिकेट इन चाइल्डहुड. एक और देखते हैं. राजा हरिश्चंद्र वे कक्षा में कई पुस्तकें पढ़ा करते थे. वे कक्षा में कई पुस्तकें पढ़ा करते थे. दे सब्जेक्ट है, फिर क्रिया क्या है? यूज्ड. टू पढ़ा करते थे, रीड. ऑब्जेक्ट क्या है? मेनी. एडजेक्टिव है, नाउन है. बुक्स कक्षा में. प्रीपोजिशन इन द क्लास है ना. They used to read many books in the class. एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसी पर. प्राचीन काल में लोग स्त्रियों को उनके पतियों के चिता के साथ जला दिया करते थे.
जला दिया करते थे। कह रहा है प्राचीन काल में, तो प्रीपोजिशन क्या इन, एडजेक्टिव है एंशियंट, एंशियंट एज, प्राचीन काल में, लोग पीपुल, पीपुल लोग क्या किया करते थे, जला दिया करते थे। यूज टू भूतकाल के कार्य को दर्शा रहा, यूज टू जला दिया करते थे, किसे जला दिया करते थे, तो यूज टू बार्न, बी यू आर एन, बार्न स्त्रियों को, ओमेन स्त्रियों को जला दिया करते थे, उनके पतियों के साथ, तो डियर हस्बैंड, हस्बैंड्स पायर, फर्स्ट ऑफ यस, उनके पतियों के चिता के साथ, तो यहाँ के साथ प्रीपोजिशन है सारी विद, उनके पतियों के चिता के साथ जला दिया करते थे, डियर के पहले लगेगा विथ डियर, प्रीपोजिशन है के साथ, उनके पतियों के साथ जला दिया करते थे। अब देख लेते हैं निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य का रूल क्या कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डेड, हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग करेंगे डेड, फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या होगी, फर्स्ट फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, एग्जांपल देखते हैं, तुम कल विद्यालय नहीं गए, तुम कल विद्यालय नहीं गए, यू डिड नॉट, यहां नॉट का प्रयोग हुआ, डिड मेन वर्ब जस्ट पहले नॉट का प्रयोग, Did not जाना, go to school, विद्यालय नहीं गए, yesterday बीता हुआ कल, yesterday, you did not go to school yesterday, तुम कल विद्यालय नहीं गए, मैं अपने गांव नहीं गया, मैं आई माने मैं डिड नॉट गो टू, आई के साथ माई, माई विलेज, मैं अपने गांव नहीं गया, आई डिड नॉट गो टू माई विलेज, तो देखते हैं एक और नियम, यूज ऑफ It is time.
it is high time. इट इज हाई टाइम. इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है अधिकांशता है एसएससी में पूछा जाता रहता है. देखिए इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम. इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम के बाद हम प्रयोग कौन सा टेंस करेंगे? केवल पास्ट इंडेफिनिट. तो आइए इस पर एग्जांपल देखते हैं. इट इज टाइम, इट इज टाइम वी हैज रेड अ रिलीजियस बुक. फ्रेंड्स देखिए इट इज टाइम शब्द लगा हुआ है ना, है ना, इट इज टाइम फ्रेंड्स है तो इट इज टाइम लगा हुआ है. वी हैज रेड, हम पढ़ चुके हैं अ रिलीजियस बुक, एक पवित्र बुक पुस्तक पढ़ चुके हैं. तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? पास्ट इंडेफिनिट बताया गया तो पास्ट इंडेफिनिट कहाँ से होगा? हैज शब्द को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? वर्ब की सेकंड रेड रेड मेन वर्ब क्या है? तीनों में समान होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों अवस्थाओं में समान होती है. तो हैज को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? वी रेड अ रिलीजियस बुक, एक पवित्र पुस्तक, है ना. इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम आई राइट, आई राइट आई राइट अ लेटर. कह रहा है चार पार्ट में बटा हुआ है आपका वाक्य. कह रहा है इट इज हाई टाइम आई राइट अ लेटर नोएडा, ए बी सी डी चार कॉलम में बटा हुआ है, किस पार्ट में गलती पूछा जा रहा है ना. तो कह रहा है इट इज हाई टाइम, फ्रेज लगा हुआ है और ये क्या है सेंटेंस? आई राइट, मैं लिखता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट आया है. तो इट इज हाई टाइम के बाद कौन सा टेंस होना चाहिए? पास्ट इंडेफिनिट. तो कहां से सही होगा? ये राइट को हटा के रोट किया जाएगा, ये आपका वाक्य क्या हो गया? सही हो गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया. इस प्रकार वाक्य क्या हुआ? सही हुआ. विलियम, विलियम शेक्सपियर रोड इट इज टाइम विलियम शेक्सपियर. विलियम शेक्सपियर रोट मेनी पोएम्स एंड प्लेज. इट इज टाइम विलियम शेक्सपियर रोट मेनी पोएम्स एंड प्लेज, ये क्या है? सेकेंड फॉर्म है, अर्थात भाग क्या है? सही है, है ना. तो यहाँ पे ये क्लास समाप्त करते हैं, कल आप लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस.